उपायुक्त कुपवाड़ा इमाम दीज ने आज हंदवाड़ा उपमंडल के कुलंगम क्षेत्र का दौरा किया, जहां उन्होंने विकास संबंधी गतिविधियों का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने डीडीसी सदस्य रजवार मीर सुलेमन की मौजूदगी में कुलानम और अस्तान मोहल्ले में आईएसएम डिस्पेंसरी का उद्घाटन किया। क्रिएट हो रही है, जैसे आपका 50 बेडेड आयुष हॉस्पिटल जो है यहाँ पे ज़ेर तामीर है, उसका भी हमने रिव्यू किया आते ही। प्लस आपकी ये जो यहाँ पे आईएसएम की डिस्पेंसरी थी, ये काफ़ी सालों से आपकी बिल्डिंग जो है ज़ेर तामीर थी। फिर हमने इनको मार्च में टाइमलाइन फिक्स कर दी डिपार्टमेंट को कि भाई हमें इसको इमीडिएटली कंप्लीट करो, ताकि हम इसको फंक्शनल बनाएं और लोग जो है इससे फ़ायदा उठाएँ। तो आज हमने इसका यहाँ पर इफ्तिताह किया है, इनॉग्रेशन की है, और गवर्नमेंट की यही मंशा है कि जो फैसिलिटीज़ क्रिएट की जा रही हैं उनको लोगों के लिए खोल दिया जाए, उनको वो फ़ायदा पहुंचना चाहे। उस सिलसिले में हमने आज आपका यहाँ पे इसका इनेकाद किया था, आज ये सरमनी जो रखी थी यहाँ आईएसएम डिपार्टमेंट ने। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस मकसद के लिए ये हॉस्पिटल यहाँ पे खोला गया है, यहाँ की आवाम जो है इसका फ़ायदा उठाएंगे। और जैसे मुझे एडीओ साहब ने अभी बताया कि ये प्रायोरिटी में भी है, ये एक महीने के अंदर अंदर इसको कन्वर्ट किया जाएगा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में। तो उसका स्टाफ भी एडिशनल आपको बाज़ाबता सेंक्शन होगा, यहाँ पे इम्यूनाइजेशन की फैसिलिटीज़ भी आ जाएंगी, कोविड के रिलेटेड जो है वैक्सीनेशन वगैरह या टेस्ट वगैरह के लिए आपको स्टाफ मिलेगा, और इस इलाके में जो है सुविधा यहाँ लोगों को मिलेगी, और आप लोग इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं, क्योंकि आपके इलाके में ऐसा देखिए यहाँ पे अभी तक आईएसएम जो डिस्पेंसरी है मेडिकल ऑफिसर की एक पोस्ट सेंक्शन है, तो उसको असिस्ट करने के लिए एडीएम साहब वहाँ से कोई फार्मासिस्ट भी भेज रहे हैं। लेकिन मुझे पक्की उम्मीद है कि जैसे डायरेक्टर साहब इनके एक्टिव हैं और वो सभी लोगों का ख्याल रख रहे हैं, और इनको भी उन्होंने एश्योरेंस दी है कि जो ही ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका इमीडिएटली स्टाफ भी बढ़ जाएगा, और सेंक्शन स्टाफ जब हो जाएगा यहाँ के लिए पोस्टिंग सेंक्शन आएंगी, और डॉक्टर साहब बात को प्रॉपरली आपको स्टाफ लिया, हमने एडीडी साहब को उसमें इंक्वायरी के लिए ऑर्डर्स वहीं मौके पे दिए, और ही हैज़ टेकन ए सीरियस व्यू। वो उनकी टाइमलाइंस भी हमने फिक्स की, और हमने कहा कि अगर हो सके तो डबल शिफ्ट का उसमें प्रावधान भी है, कर सकते हैं, और आजकल सीज़न भी है, वर्किंग सीज़न है, एक्सेप्ट थोड़ा सा प्रिडिक्शन है रेंज की, उसके बाद वो डबल शिफ्ट में करके उसको इमीडिएटली वो जो है टाइमलाइंस के अंदर। अगर आपने अभी तक जो की खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।